कितनी स्वादिष्ट, कितनी सुंदर दिख रही है। और अब इसकी एक बाइट हम आपको बताते हैं, ये देखिए इसकी एक बाइट। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबाद की वेज बिरयानी। आपने हैदराबाद की नॉन वेज बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन हम ये वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं। और वेज बिरयानी बनाने के लिए आपको सारी वेजिटेबल्स चाहिए हैं, कटी हुई वेजिटेबल्स, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी के साथ साथ हमने मैगी मसाला रखा हुआ है, और यहाँ पे हमने रखा है थोड़ा सा अमूल बटर। और अब हम चालू करेंगे वेज बिरयानी बनाना, जिसके लिए यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया है। आप देख सकते हैं ये एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, और इसमें हमने तेल डाल दिया है जो कि गर्म हो रहा है। सबसे पहले तो इसमें हम मसाले डालने के लिए जीरा डालेंगे, थोड़ी सी राई डालेंगे और जीरा, खड़े मसाले सबसे पहले तो डाल लें। खड़े मसाले में आपका तेज पत्ता आता है, और तेज पत्ते के साथ जो अन्य मसाले आते हैं वह सब इसमें डाल देने हैं। अब बारी आ गई है वेजिटेबल्स डालने की। सबसे पहले प्याज डाली जा रही है। प्याज डालते ही जो आवाज आई है उसके तलने भुनने की, वो बहुत ही मनमोहक आवाज है। अब इसमें डाल देने हैं कटे हुई शिमला मिर्च। आप देख सकते हैं हरी हरी ग्रीन ग्रीन शिमला मिर्च कितनी अच्छी दिख रही है। कटे हुए गाजर, अब बारी आ गई है इसमें कटी हुई मिर्च डालने की। ये कटी हुई हरी मिर्च डाल दी गई है, और अब इसमें हमारी कटी हुई पत्ता गोभियां पूरी डाल देनी है। इस तरीके से पत्ता गोभी को इसमें पूरे अच्छे से सजा देना है। और फिर बारी आती है टमाटरों की, कटे हुए टमाटर इसमें डाल दिए गए हैं, और ये सारी वेजेस इसमें जो है अच्छे से मिलानी है, अच्छे से मैशअप करनी है। और थोड़ी सी कटी हुई हमने जो है प्याज बचा ली है, इसका क्या करना है ये हम आगे बताएंगे। हैदराबादी स्टाइल में स्वादिष्ट वेज बिरयानी बनाने के लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा एक चम्मच दही। तो हमने इस मिक्सचर में एक चम्मच दही डाल दिया है। थोड़ा सा और दही डाल देते हैं ताकि एक थोड़ा सा खट्टापन आ जाए। अब इसमें बारी बारी से हल्दी, धना, मिर्ची और अन्य मसाले डाले जाएंगे। हल्दी डाल दी गई है, अब इसमें धनिया डाला जा रहा है। धनिया पाउडर के बाद बारी आएगी मिर्च की, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी जाएगी। आप देख सकते हैं अब इसे अच्छे से मैशअप किया जाएगा, अच्छे से इसे मिक्सअप किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाला जाएगा और अच्छे से मिक्सअप किया जाएगा। अब इसमें 2 रुपए वाला मैजिक मसाला डाल देना है। ये मैजिक मसाला मार्केट में मिल जाता है, इसे पूरा 1 डाल देना है और अच्छे से मिक्सअप कर देना है चमचे से। दोस्तों अब बारी आ गई है इसमें चावल डालने की। अब हम इसमें बड़े वाले पुलाव चावल जो आते हैं वो इसमें हम डाल देंगे, जो हमने पहले से गीले करके भिगो के रखे हुए थे। इसमें पूरे चावल इस तरीके से डाल देने हैं कि ये पूरे मसाले के ऊपर फैल जाएं, और एक एक कोना एक एक जगह अच्छे से चावल से भर दें और चारों तरफ से इसे इस तरीके से जमा दें। बची हुई प्याज को एक अलग कढ़ाई में इस तरीके से तल लेना है और सुलहरी कर लेना है। इसे थोड़ी सी ब्राउनिश होने तक, ज्यादा ब्राउनिश होने तक तलना है। 1 मिनट तक इसे ऐसा ही छोड़ने के बाद अब इसके ऊपर हम डालेंगे 2 ग्लास पानी। ये 1 ग्लास डल गया है, 1 ग्लास और डालेंगे, देख लेंगे पर्याप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना आधा ग्लास और डाल सकते हैं, वैसे इतने में काम बन जाएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपनी सुनहरी प्याज, जो हमने प्याज तली थी अलग से कढ़ाई में, वो हम इसे डाल देंगे ऊपर से। उसके बाद कटे हुए लंबे लंबे मिर्च डाल देंगे। कुछ लोगों को मिर्च खाने पसंद होते हैं तो उन्हें आप साथ में लंबे मिर्च सर्व कर सकते हैं। जिनको स्पाइसी पसंद है उन्हें 2 मिनट एक्स्ट्रा दे दें। इसमें हमने 2 मिनट छोड़ने के बाद 2 ग्लास पानी डाल दिया है, और थोड़े से हमने हमारी जो प्याज हमने तल के रखी थी, जो हमने सुनहरी करके रखी थी, वो डालनी है। बड़ी बड़ी हमने कटी हुई मिर्च डाल दी है और थोड़े से फ्रोजन मटर डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती, कटी हुई धनिया पत्ती इसमें इस तरीके से ऊपर डाल देना है, और फिर इसे डाल के हम ऊपर से डालेंगे अमूल बटर। थोड़ा सा अमूल बटर हम ऊपर से इसमें डाल देते हैं, उससे ये अच्छे से पक भी जाएगा और टेस्ट आ जाएगा, और अमूल बटर के उसमें वो अच्छे से रम जाएगा। और फिर इसे हम बंद करके पकाएंगे, जब तक पकाएंगे जब तक हमारा चावल पक ना जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी जो है वेज बिरयानी बन चुकी है हैदराबादी स्टाइल में। देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, और उसमें वेजिटेबल्स कितने अच्छे दिख रहे हैं, और ये खाने में कितनी टेस्टी लगेगी। अब हम इसे देखिए निकालेंगे, और इसे हम निकाल के थाली में सजाएंगे, और फिर जो है हम इसे खाएंगे। वाओ वाओ, मजा आ जाना है आज तो। वाओ, इतने से क्या होगा। वाओ, इतना खा के देखता हूं।
एक बार में और खाऊंगा। चम्मच से कौन खाता है यार, छोड़ो। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसको भी मैं किनारे रख दे रहा हूँ, थोड़ा गर्म है। देखिए दोस्तों, देखिए कितनी स्वादिष्ट, कितनी सुंदर दिख रही है, और अब इसकी एक बाइट हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसकी एक बाइट, ये कितनी अब टेस्टी है, वो गजब हो गया। वाह, दोस्तों मजा आ गया है, गरम है लेकिन क्या करें, थोड़ा चलता है तो चलता है, लेकिन खाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही टेस्टी, मतलब एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर।